हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कैनन की 25-30 मशीन के बारे में बात करेंगे और इसमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें बार बार फ्यूज़र यूनिट में पेपर फंसना, पिकअप यूनिट से पेपर बार 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 पिकअप करते हुए वहाँ पर फंसना। तो दोस्तों, ये सब इनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है कैनन की हमारी 25-30 मशीन है। दोस्तों, इसमें कॉमन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसकी इससे जब भी फोटोकॉपी करते हैं या प्रिंट आउट निकालते हैं तो इसकी फर्स्ट और सेकंड ट्रे से हम किसी भी ट्रे से प्रिंट देते हैं या फोटोकॉपी करते हैं तो इसमें क्या है, पेपर जाम हो जाता है। तो मैं आपको एक प्रिंट दे के दिखाता हूँ और किस जगह पेपर जाम होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा कंप्यूटर और इस पर मैं आपको कोई भी एक फाइल खोल लेता हूँ जिसका हमें प्रिंट देना है। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक फॉर्म है, मैं इसका एक पेज ले लेता हूँ और कोई भी एक पेज हम इसका किसी भी एक ट्रे से डालते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट नंबर ट्रे से इसका एक पेज कमांड देता हूँ, करंट पेज, तो इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर मशीन में कमांड आ गई है हमारी। जब भी ये प्रिंट के लिए पेपर को पिकअप करेगी तो पिकअप होते ही पेपर को जाम का एरर ये शो करेगी। दोस्तों देखिए, अभी ये थोड़ा सा वार्मिंग हो रही है तो अभी ये पेपर का एरर देगी, तो मैं आपको बताऊंगा पेपर किस जगह फंसता है और उसको हम कैसे ठीक करें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ प्रिंटिंग चल रही है। अब ये प्रिंटिंग के लिए जैसे ही पेपर पिकअप करती है तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर मशीन पेपर जाम बता रही है। तो जब भी हम इसका साइड डोर खोलते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर पेपर जाम दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पेपर यहाँ तक आके रुक जाता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बेसिकली मैं आपको बता दूँ फीडर के चक्कर में ही आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये फीडर लगे हुए हैं, इन पर क्या है, डस्ट जम जाती है या टोनर वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पर जम जाता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी को फीडर को बाहर निकाल के इनको अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद वापस मशीन में लगाना है, तो हमारी ये प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इनको निकालना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर ये फीडर लगे हुए हैं दोस्तों, ये वाले फीडर नहीं निकलते हैं, ये है नीचे, ये निकल लेंगे। तो दोस्तों, इनको निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ, इनसे जो भी हमारी ट्रे का फीडर निकालना है उस ट्रे को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हम फर्स्ट ट्रे को बाहर निकाल लिए। फर्स्ट ट्रे के बाद हमें दोस्तों, इसमें मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये है इसके दोस्तों अंदर, ये तीन फीडर लगे होते हैं उसमें। आपको दो बड़े फीडर दिख रहे हैं और एक ये छोटा फीडर दिख रहा है पतला वाला ब्लैक का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये तीनों फीडर को हमें बाहर निकालना है और इनको अच्छे से क्लीन करके वापस से हमें मशीन में लगाना है। तो दोस्तों, इनको निकालने के लिए सिंपली इसमें जो लॉक दिख रहे हैं आपको, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों ये लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक को दबाना है और बाहर की तरफ खींचना है। हल्का सा खींचोगे आप तो ये बाहर आ जाएगा। और ऐसे ही इसके नीचे वाला रोलर है, इसको भी आप, ये लॉक दिख रहा है छोटा सा, इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, इसके जो ऊपर लगा है रोलर, इसमें आपको एक स्टील की लोहे की पत्ती दिख रही है, इसको पहले हमें पत्ती को बाहर खींचना पड़ेगा तब ये फीडर बाहर आएगा। तो दोस्तों, पत्ती को सिंपली आप पकड़ के बाहर खींच लीजिएगा, इसको पत्ती को मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पत्ती आप देख रहे हो, ये जो पत्ती है ये सिंपली इसमें इसी तरीके से लगी होती है, तो इसको पकड़ के हमें सिर्फ बाहर ही खींचना है, ये पत्ती हमारे हाथ में आ जाएगी। उसके बाद ये जो रोलर इसमें लगा हुआ है, इसको आप, ये लॉक दिख रहा है, इसको ऊपर उठा के बाहर खींचोगे तो ये निकल आएगा। ये देखिए,
दोस्तों ये वाला लॉक है इसमें, जो कि उसी में लगा हुआ है। और दोस्तों ये जो गियर दिख रहा है आपको, ये पीछे का हिस्सा है जो कि फीडर को बताता है कि इस तरीके से लगना है। तो दोस्तों ये तीनों फीडर हैं हमारे पास जो कि ट्रे में लगते हैं। ये तीनों फीडर हैं, इनको हमें अच्छे से अल्कोहल से साफ़ कर लेना, उसके बाद हमें इनको लगाना है। उसके बाद आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, फिर इनको दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड ट्रे के लिए, और जो भी ट्रे होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनमें ये फीडर सेम होते हैं और इनको निकालने और लगाने का प्रोसेस भी सेम ही होता है। तो मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ तो फिर आपको दोबारा इनको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास एल्कोहल, और एक ये है ब्रश, और ये हमारे तीनों फीडर रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये एल्कोहल को हमें इन फीडरों पे हल्के से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इस ब्रश से इसकी जो लाइनिंग दिख रही है आपको, इनमें टोनर या धूल भर जाती है, तो उसे क्लीन करना है। तो मैं इनको क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से इनको फिट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको क्लीन कर लिया अच्छे से, और ये हमारे चारों पार्ट्स हैं यहाँ रखे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये बड़े वाले जो फीडर हैं वो दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसको ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है, तो इसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ। तो ये वाला फीडर है दोस्तों, तो इसमें पीछे गियर लगा होता है जो कि हमें ऊपर की तरफ लगाना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसमें दोस्तों आपको देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों ये ऊपर वाले इसमें ऊपर वाले रॉड में आप जब भी गियर डालोगे तो ये छोटा सा गियर दिख रहा है। यहाँ आपका जो फीडर के पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये फीडर का ये वाला हिस्सा है, वो वहाँ जाके लॉक होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें फीडर को लगा के, जैसे कि ये हमने फीडर को देखिए, इसको हमने हल्के हाथों से अभी इसमें लटका दिया इसको। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे ना दोस्तों, तो ये जो पीछे गियर लगा है एक छोटा वाला, वहाँ जाके उससे लॉक हो जाएगा। देखिए ये अब अच्छे से लॉक हो गया, अगर आप इसको बाहर की तरफ पुश करोगे या बाहर नहीं आएगा। देखो तो ये इसकी पहचान है। और उसके बाद इसी साइज़ का एक और पिकअप रोलर होता है, ये देखिए जैसे कि, तो इसके पीछे ये इसके शेप्स बने होते हैं, खांचे बोलते हैं इनको। तो ये भी हमारे वहाँ नीचे वाली रोड में जाके लॉक होते हैं, देखिए आप इस जगह जाके ये लॉक होता है। ये भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने फिट कर दिया, जैसे कि मैं इसको दोबारा से आपको निकाल लेता हूँ बाहर, फिर लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों इसको लगाने के लिए इसका साइड का ये वाला डोर है वो ओपन कर लेना आप, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला ट्रे है उसमें इसके ये दांते हैं, आड़ते हैं, तो यह सही से लगता नहीं है। इसलिए पहले इस ट्रे को बाहर खोल लेना आप। खोलने के बाद जब आप इसको पिकअप रोलर को इस रॉड पर लगाओगे, देखिए ये आसानी से चला गया। जाने के बाद इसको हल्के से आपको इधर उधर घुमा के मूव करना है, जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। एक आवाज़ भी आएगी आपको कटाक की, जिससे कि दोस्तों ये लॉक हो जाएगा और बाहर की तरह आप पुश करोगे ये बाहर निकलेगा नहीं। इसी तरीके से ये वाला रोलर है, इसको भी हमें ये गियर की तरफ से ही लगाना है। गियर का हिस्सा अंदर की तरफ होगा, ये है इसकी रॉड। इसमें लगाने के बाद हमें इसको धीरे से पुश करना है अंदर की ओर, ये हो गया लॉक। लॉक होने के बाद इसकी जो जो पिन है, ये वाली पिन है, वो हमें ऊपर रख के इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो दोस्तों मैं ये भी आपको लगा के दिखा देता हूँ यहाँ।
से क्या देखना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा दिख, यहाँ साइड से दिख रहा है तो मैं यहाँ कैमरा रख के यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों देख रहे हो आप, पिन रख गई है, रख के आपको इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। आप जैसे इसको प्रेस करो तो दोस्तों ये प्रेस करोगे तो ये भी जाके अंदर लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये भी है ये पिन, ये हमारी अच्छे से यहाँ पर लॉक हो गई है। तो दोस्तों इसका फ्लैश बंद हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें इनको फिट कर देना है अपनी मशीन में, और जिस भी ट्रे में दिक्कत आए फर्स्ट और सेकंड में, तो हमें अपने फीडर निकाल के इसी तरीके से फिट कर लेना है। उसके बाद ये जो ट्रे हमने निकाली थी, इसको ट्रे को भी हमें वापस वहीं वहीं लगा देना है। इसमें पेपर लोड करके हमें इसको चला के देखना है। उसके बाद हमें साइड डोर लगाना है। साइड डोर लगाने के बाद दोस्तों ये फर्स्ट ट्रे में हमारा पेपर लोड हो गया। उसके बाद हमें इसमें सिंपली कोई भी कॉपी करके देख लेना है। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा एक खाली पेज ये जो कि निकल आया। अब इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं दोस्तों। ये प्रॉब्लम मेन फीडर की होती है, तो आप फीडर साफ़ करके इनको दोबारा से लगा दीजिए तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।